मौजूदा जो सूरत हाल है जम्मू कश्मीर सियासी उथल पुथल जो है, किस तरह आप इसको देख रहे हैं? एक अनस्टेबिलिटी का? नहीं, उतनी अनस्टेबिलिटी नहीं है जितना कि कुछ लोग समझते हैं। मुझे नहीं लगता है कि पिछले 2-3 साल में काफ़ी स्टेबिलिटी आई है। अल्लाह का शुक्र है कि हालात ऐसे रहे कि कत्लोगारत कम हुआ। जहां सैकड़ों लोग किसी या इनके हाथों या उनके हाथों जान खो बैठते थे, अब कहीं एका दुका कश्मीरी पंडित भाई या कोई नॉन मुस्लिम गैर जो हिंदू बाहर का हो जो मजदूरी यहाँ करता हो, अभी कहीं साल में मेरा ख्याल है 10-12 लोग जो हैं वो अपनी कीमती जान खो बैठे हैं। एक शख्स भी जो बेगुनाह हो, हदीस है कि अगर एक बेगुनाह शख्स की जान ली जाए वो इतना बड़ा गुनाह है जैसे सारी इंसानियत की सारे इंसानियत को कत्ल किया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो सूरत हाल इस वक्त है, मैं उम्मीद रखता हूँ क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है कि आने वाले वक्तों में इससे बेहतर हालत हो जाएगी। अभी जो टाउन्स और सिटीज़ हैं वो निगलेक्टेड है क्योंकि जो इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन गांव के लेवल पे हुआ है। 70% आबादी जो है वो गांव में रहने वालों की है, चाहे पंचायत हो, ब्लॉक हो या डिस्ट्रिक्ट हो, वहाँ पे अच्छा काम हो रहा है। लेकिन जहाँ तक सिटीज़ का ताल्लुक है, अभी यहाँ पे उस 30% जो पॉपुलेशन है इनके यहाँ अभी डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ है और तब होगा जबकि असम्बली का इलेक्शन होगा, बाकायदा हुकूमत होगी, तो उस वक्त उनको बजट बनाने का इख्तियार होगा। इस वक्त किसी को बजट बनाने का इख्तियार नहीं है। हाँ, गवर्नर साहब हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, वो कर सकते हैं। जमूद है पॉलिटिकल पार्टी, इसका नई नई पार्टियाँ बरसर इकतदार आई, आज़ाद साहब की भी पार्टी भी है, लेकिन जो एक एटमॉस्फेयर है फॉर इलेक्शन पर्पस वो अभी नहीं दिखाया जा रहा है। जैसे स्टेट रूम की बात हो रही है या आर्टिकल पे भी बात हुई थी, तो इस आप देख रहे आने वाले टाइम में क्या वो पॉसिबिलिटी लग रही है? देखिए, पेशेंट गोई तो मैं कर नहीं सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि इलेक्शन में अभी कई लोग तो कहते हैं कि भाई मार्च में इलेक्शन हो जाए, कई लोग तो शर्त लगाए बैठे हैं मार्च में इलेक्शन होगा, लेकिन मेरा जो अपना अंदाज़ा है वो ये है कि इलेक्शन में अभी वक्त है, अभी वक्त है, शायद बहुत कुछ प्लानिंग करनी है इन्होंने कि ये अब के जो असम्बली बनेगी ये कोशिश करेंगे कि उस असम्बली जो है उसको उसी तरह के वसी इख्तियारात हो जिस तरह की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल को हैं या पंचायतों को होंगे, तो उसके लिए कानून बनाने की ज़रूरत है, उसमें टाइम लगेगा। यहाँ जो जम्मू कश्मीर के पंडित कुछ किलिंग्स जो हुई है ये एक डिफरेंट अजीब जाविया हमें दिखाई देता है, लेकिन जब भी ऐसे वाक़ात हुए यहाँ बोला जा रहा है कि अस्करी पसंद से हो रहा है, अक्रॉस द बॉर्डर इनकी बैकअप हो रही है, उस हवाले से देखेंगे क्या बात करनी होगी हमारी नेबर कंट्री से जब यहाँ से कोई। देखिए, अभी पाकिस्तान इतनी बुरी हालत में है और हमें दुख होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, कोई भी दुनिया में कोई मुल्क हो जहाँ लोगों का चुना हुआ प्राइम मिनिस्टर जो है ईमानदार आदमी, पहला शख्स है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर भुट्टो के बाद जिस पर कभी रिश्वत का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा है, तो उसको उतार देते हैं, गोली लगाते हैं, मारते हैं, उसकी टांगें 4 गोलियाँ लगा देते हैं, ना जाने कैसे बच गया। तो पाकिस्तान इस वक्त ऐसी हालत में है कि हमें पाकिस्तान के लोगों से हमदर्दी होनी चाहिए, दुआ मांगनी चाहिए कि वहाँ अमन हो जाओ, और उनका जितना अमन होगा और हिंदुस्तान का जितना ये लोग एक दूसरे के करीब आएंगे उतना ही दोनों मुल्क के लोगों के लिए अच्छा होगा। जब मैं इक्तदार में था तो मैंने एक ये रेजोल्यूशन पास कराया था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में उड़ी के रास्ते से और जम्मू के रास्ते से कारोबार होना चाहिए, जाने चाहिए यहाँ के लोग, वहाँ के यहाँ आए जाएं, कारोबार करें। लेकिन बदकिस्मती से फिर वो हुकूमत गिर गई, फिर कोई कुछ और लोग आ गए, मैं हुकूमत पे नहीं रहा, जिसने मैंने जो रेजोल्यूशन बनाया था वो कागज़ पे ही रह गया। तो हमें तो हम किसी को हमें
हम जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, कुछ भी कहिए लेकिन ये नहीं कह सकते कि कश्मीर के लोग बेवकूफ़ हैं, ये ज़हीन लोग हैं। हाँ, इनको कुछ इश्यूज हैं, कुछ शिकायतें हैं, उधर से भी और इधर से भी शिकायतें हैं, लेकिन उसको हल करने के लिए जिस किस्म के माहौल की ज़रूरत है, मुझे उम्मीद है वो माहौल बनेगा और उन शिकायत को दूर किया जाएगा। मुजफ्फर साहब आने वाले इलेक्शंस लड़ेंगे? कौन? भाई मैं तो अभी इलेक्शन के बारे में सोचता ही नहीं हूँ कि मैं लड़ूंगा या नहीं लड़ूंगा, ये तो लोगों का दार मदार है, अगर कान पकड़ के लड़ा ले तो हो सकता है लड़ भी लूं। तो कहां वैसे मुझे कोई शौक नहीं है अब ये वाले दिनों में बेग साहब को हम कहां देखेंगे, किस पार्टी में देखेंगे, क्योंकि आप से भी आपसे बात हुई थी आज से एक साल पहले सर, सजाद मगनी लोन साहब से। नहीं नहीं नहीं, बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन मिलना जुलना वो तो अल्ताफ़ साहब भी मिलते हैं, वो सजाद साहब भी मिलते हैं, सजाद तो बेटे जैसा है मेरा, अल्ताफ़ भाई जैसा है। हाँ, उनके और हम में काफ़ी सियासी तौर पर जो है नज़रिए आपस में मिलते नहीं, नहीं आप तो और अभी करते हैं सर, और अभी तक किसी जमात में वो पॉलिटिकल स्पेस नज़र नहीं आती है जहाँ मेरा भी कुछ रोल हो सके। यानी कि आपको अभी लग रहा है कि कोई पार्टी आपके काबिल नहीं है? जिसमें नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, हो सकता है वो बहुत काबिल हो, हो सकता है वो बहुत काबिल हो, मुझे गलतफहमी हो, आपको किसी और को गलतफहमी हो, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जो पॉलिटिकल स्पेस है, जो पॉलिटिकल स्पेस है, उस पॉलिटिकल स्पेस में ये कहना कि कौन सबसे ज़्यादा वोट देगा, क्या वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले होंगे, क्या वो अल्ताफ़ साहब की पार्टी वाले होंगे, जहाँ तक गुलाम नबी आज़ाद साहब का ताल्लुक है, मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई है, मुझे मालूम नहीं है वो क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ तक पहुँचे। अक्रॉस द बॉर्डर आज़ाद कश्मीर, बदकिस्मती है कि जर्नलिस्ट को दुनिया में हर जगह कोई ना कोई उनके पीछे पड़ा होता है, क्योंकि जर्नलिस्ट जो है ये तो वो ऐसे वाकत, ऐसे सीक्रेट्स, ऐसे मामलात लोगों के सामने लाते हैं जो कि पॉलिटिशियंस को अच्छे नहीं लगते। तो ये जम्मू कश्मीर में या पाकिस्तान या हिंदुस्तान ही की बात नहीं है, ये बहुत सारे मुल्क, अमेरिका जैसे जमहूरी मुल्क में भी कई जर्नलिस्ट हैं जिनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जमहूरी लिहाज से सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क अमरीका है, लेकिन वहाँ भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है।